नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब लेकर आए और हमें तो लगता है, और सरकार कहेगी क्या? सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। यदि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को स्टे मिल गया होता तब तो यह कह देती कि महोदय, योर ऑनर, हमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी केस पे स्टे ही नहीं दिया, कोई नोटिस ही जारी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं ये कितनी अहंकारी सरकार है, कितनी अत्याचारी सरकार है। 300 रुपया पाने वाले से जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हो, उस सरकार के कारनामे को आने वाला इतिहास में ये दर्ज कराएंगे, क्योंकि इसी लायक हैं। अपने कर्मचारियों, अरे सर मानी चाहिए उन अधिकारियों को जो एसी कमरों में बैठकर टाइप करते हो कि हम 17,000 नहीं देंगे। अरे जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। हम एक दिया सलाई माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स से पैसे से गुलछर्रे उड़ाते हो, और हमको देने में ही तुम्हारी नानी याद आ रही है। तो चिंता ना करो, इस देश की सर्वोच्च अदालत जब फैसला देगी उसके बाद आपको सब कुछ देना पड़ेगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो हम अनुदेशक साथियों से, कुछ अनुदेशक साथी हमारे कल मैं जुड़ नहीं पाया, कुछ परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन मैं अपने 27,555 उन अनुदेशक साथियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हताश ना हो, निराश ना हो, आपको सम्मान भी मिलेगा, और जो हम लोग चाहेंगे वो सब लेकर आएंगे। थोड़ा समय लगता है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और सरकार को हम लोगों ने ऊपर से नीचे हर तरफ से जब नोटिस पहुंचा होगा, हमें लगता है नोटिस पहुंच गया होगा या एक दो दिन में पहुंच जाएगा, उसके बाद सरकार को लगेगा कि अरे ये लोग तो एक से एक कारनामे कर रहे हैं। पहले हमको सुप्रीम कोर्ट में घेरा, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी करवाया, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस जारी करवाया है। ये लोग भी मानने वाले नहीं हैं, इनको पैसा देना पड़ेगा, और वास्तव में देना पड़ेगा। मैंने कहा था योगी जी से, मैं योगी जी को कह के आया हूं कि योगी जी पैसा तो आपको देना पड़ेगा, भले आप दे या कोई दे। मेरा यही लाइन था, मैंने यही लाइन कहा था कि महाराज जी आपको पैसा तो देना पड़ेगा, चाहे आप दे या कोई और दे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा जाओ जो करना है करो, मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूं और जो करना होगा करूंगा, लेकिन आप भी इस बात को जान लीजिए कि पैसा तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप दे या चाहे कोई और दे। और मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, आइए एक मंच पर आकर जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका साथ दीजिए। अब इधर उधर की बातें मत करिए, अब इधर उधर की बातें मत करिए। कल आपने देखा होगा जो सरकार की भी एसएलपी हम लोगों से कनेक्ट हो गई, जो स्वीकार नहीं हुई, सरकार का जो डायरी नंबर, एसएलपी नहीं है अभी, सरकार की एसएलपी नहीं है, एसएलपी नंबर नहीं मिला है। जब वो स्वीकार होगा तब एसएलपी नंबर मिलेगा, और अब क्या स्वीकार होगा? जब 14 अगस्त को स्वीकार नहीं हुआ तो एसएलपी नंबर नहीं मिला, केवल डायरी नंबर है और हम लोग के साथ कनेक्ट है, अलोंग विथ हो गया है। और कल ना याची कोई थे, ना कोई वकील खड़ा था, सिर्फ और सिर्फ आरके सिंह और पीएस